15-20 लहसुन कली, हम इसको 5 मिनट तक बॉयल आउट करेंगे। इसके बाद गाइस हम बंद कर देंगे, हमारा लहसुन हो जाएगा तो हमारा मुरब्बा की चटनी बनके तैयार। और पराठा के साथ खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट मत भूलिए। तो देखिए गाइस हमारा बनके रेडी हो गया, कितना अच्छा कलर आया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बंद कर दिए गाइस। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भूलिए। तो गाइस देखिए देखिए गाइस मैंने 3 आम ले लिए हैं। अब इसको फटाफट छील लेते हैं धो के अच्छी तरह से। तो देखिए गाइस मैंने छील लिया हूँ, अब इसको हम पीस काटता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए गाइस हमने काट लिया, और इसको हम बीज निकाल देते हैं। इसका गाइस ये मत डालना गाइस, थोड़ा आपका खरूस हो जाएगा टेस्ट में। चम्मच से नहीं निकलता, चम्मच से निकाल देना। तो चलिए गाइस और इसको हम पीस काट लेते हैं। देखिए गाइस हमने पीस निकाल दिया। तो चलिए गाइस इसको फटाफट काटते हैं। देखिए गाइस हमने काट के रेडी कर दिया, पीस एकदम मीडियम साइज का है, ये साइज का है गाइस। तो देखिए अच्छी तरह से हमारा कट गया है। तो गाइस अब गैस हम चालू कर देता हूँ, हमारा गैस चालू हो गया है गाइस। उसमें हम थोड़ा तेल डालते हैं गाइस, मेरा राइस मैंने तेल डाल दिया। अब इसको गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए गाइस तेल गर्म हो गए है, अब डालेंगे इसमें मेथी के दाने। मेथी के दाने डाल दिए गाइस, इसमें हम थोड़ा राई डालेंगे। अब इसमें गाइस 5-6 गाइस हम डालेंगे लाल मिर्च सूखा, प्याज डालेंगे गाइस 8-10 पीस, लौंग डालेंगे। फिर इसमें गाइस हम कलौंजी डालेंगे, इसमें इसमें गाइस बरियानी डालेंगे, थोड़ा सौंफ डालेंगे गाइस। और इसके बाद गाइस डालने लगते हैं। और इसमें गाइस हम आम डाल देते हैं हमारा, डाल दिया। और इसे हम गाइस गुड़ डालते हैं। तो देखिए गाइस इसमें हम 2 गिलास जितना पानी डाल देता हूँ, हमारा 1/2 किलो आम था, 25 केजी का। और इसके हम गाइस इसमें हम गुड़ डाल देते हैं, तोड़ तोड़ के वो गल जाएगा गाइस। और इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, कम कम से 2 से 250 ग्राम गुड़ चाहिए आपको गाइस। चलिए गाइस इसमें हम लाल मिर्च एक चम्मच डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं गाइस, थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं गाइस। इसको गाइस इसको मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें, हमारा धीरे धीरे पकता रहेगा ये गाइस। देखिए गाइस इसमें गाइस हम इतना नमक डालेंगे, थोड़ा गुड़ और डाल देते हैं अच्छी तरह से। गाइस हमने गाइस गुड़ डाल दिया, और इसमें धीरे धीरे भूलेगा, और इसको हम धीम आँच पे हमारा होता रहेगा। चलिए गाइस होता रहेगा अच्छी तरह से, हमारा मुरब्बा बन के चटनी तैयार रहेगा गाइस आम का। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो देखिए गाइस हमारा मुरब्बा पूरा थोड़ा पानी बना देते हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है, बनकर तैयार हो गया है गाइस।
अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। थोड़ा 5 मिनट और असर कर देते हैं तो गाइस फिर उतार देते हैं। देखिए गाइस हमने अपना बेसन छीन लिया है, गाइस इसमें डाल देता हूँ 15-20 लहसुन कली। हम इसको 5 मिनट तक बॉयल आउट करेंगे, इसके बाद गाइस हम बंद कर देंगे, हमारा बेसन हो जाएगा तो हमारा मुरब्बा की चटनी बन के तैयार। और पराठा के साथ खुशबू के साथ खा सकते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो देखिए गाइस हमारा बन के रेडी हो गया, कितना अच्छा कलर आया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बंद कर दिए गाइस। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो गाइस देखिए